सबसे पहले यहाँ पर लेना है एक टेबल स्पून कोकोनट वर्जन ऑयल जो हम अपने फेस पे अप्लाई कर सकें। ऐसे कोकोनट ऑयल जो हम आप बाल पे लगाते हैं वो नहीं लेना है दोस्तों। और यहाँ पे लेना है आधा चम्मच एलोवेरा जेल, मार्केट वाला एलोवेरा जेल लीजिएगा, घर वाले एलोवेरा जेल नहीं लेना है क्योंकि इसे हम कुछ दिन के लिए स्टोर करके रखेंगे तो घर का एलोवेरा जेल ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे 4 से 5 बूंद ग्लिसरीन लेंगे। और यहाँ पे एक विटामिन ई के कैप्सूल लेना है, उसे आप सुई से उसमें छेद करके उसे निकाल सकते हो, बहुत ही आराम से वो निकल जाएंगे। ये चारों को अच्छे तरह से आप मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद जब आप रात में सोने जाओ तो अपने फेस पे इसी तरह से मसाज करते हुए अप्लाई करना ताकि जो भी आपके फेस पे डेड स्किन हो चुके हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। और जहां आपके डार्क सर्कल है वहां आप इसे ज़रूर लगाना, इससे डार्क सर्कल बहुत ही अच्छे से चले जाते हैं। और इसी तरह से इसी स्टेप में आप मसाज करते हुए लगाना। आईब्रो में अगर आप लगाओगे तो आईब्रो आपको घना हो जाएंगे, तो इसी स्टेप में आपको लगाना है। और आपके जो भी फाइन लाइन्स आ गए हैं आपके स्किन पे, यानी आपके स्किन ढीले पड़ गए हैं, उसे टाइट करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप इसे रात के सोने टाइम ज़रूर लगाना। बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं ये सीरम। तो महंगे महंगे मार्केट से जो हम लोग सीरम लेके घर आते हैं वो 600-700 रुपये में पड़ता है और बहुत महंगे होता है। वो इतना ही वर्क करता है जितना कि हम घर पे सीरम बनाते हैं। इसका बेनिफिट ज़्यादा दिन तक रहता है, तो इसीलिए हम लोग घर पे सीरम बना के अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और अपने त्वचा को खिला खिला महसूस करेंगे। आपका स्किन जो भी डल पड़ गया है, आपके स्किन पे डेडनेस वाले स्किन आ गए हैं, वो इसे रिमूव कर देगा। फाइन लाइन्स, एंटी एजिंग जो भी है वो अच्छे से निकल जाएंगे, यानी जो भी झुर्रियाँ हैं, डार्क सर्कल है, कालापन है, आँखों के नीचे आसपास घेरे हैं वो निकल जाएंगे। तो इसी तरह मसाज करना है फ्रेंड्स।